नमस्कार साथियों, विक्रम मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में IFMS 3.0 मास्टर डाटा फॉरम, जो कि आपको ऑफलाइन भी भरना है और इसके बाद आपको जैसे ही IFMS 3.0 अपडेट होगा उसके बाद आपको ये ऑनलाइन भरना है। तो जो इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए और जो जो आपको फिल करना है कम्प्लीटली मैंने इससे में आपको पता लग जाएगा जो आपको फिल करना है, क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ये सभी जितने भी नए कार्मिक हैं या पुराने हैं उन सभी को ये मास्टर डाटा फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले है क्या राजस्थान के मूल निवासी हैं आप, इस पे आप यस पे टिक करें, अगर नहीं हो तो नो पर। मेंबर आईडी, इसमें आपको जनाधार कार्ड में, यहाँ देखो यहाँ पर मेंबर आईडी है, इसमें तो आपको जनाधार कार्ड नंबर फिल करने हैं। जन आधार आईडी है उसमें आपको आपकी आईडी लिखी होगी, यहाँ तो नंबर फिल कर दें, यहाँ तो आप नंबर फिल कर दो। और इसके बाद यहाँ पर है उसमें का जो आपका नाम है, जैसे इसे मुकेश नाम का है तो उस मुकेश नाम वाले को यहाँ पर फिल करना है, उसकी आईडी पीछे लिखी होती है जन आधार कार्ड में। यहाँ पर अपनी एम्प्लॉय आईडी भरनी है, जो भी आपकी एम्प्लॉय आईडी आएगी, नहीं बनी है नए की वो बनवा लें इसको। एम्प्लॉय फर्स्ट नेम में आपका नाम, मिडिल नेम यदि हो तो भर दें, अगर नहीं मिडिल नेम है तो आप इसे खाली छोड़ें। लास्ट नेम में आप भर सकते हो जो भी आपका लास्ट नेम है। जेंडर मेल फीमेल आप कोई सा भी एक ऑप्शन आप टिक कर दें। DOB डेट ऑफ बर्थ भरनी है इसके अंदर। हाइट आपको सेंटीमीटर में करनी है, जितनी भी आपकी हाइट है वो सेंटीमीटर में करके आपको यहाँ लिखनी है। ब्लड ग्रुप फिल कर दोगे और यहाँ पर कोई भी चिन्ह, जो भी आपका चिन्ह है, कोई भी आपके जैसे मूल ऑफ फेस पर है, फेस चेहरे पर तिल, या फिर कोई भी निशान है आपका कट का, वो आप यहाँ पर भर दो। फादर नेम भरना है, मदर नेम, मैरिड अगर आप मैरिड हो तो मैरिड, अनमैरिड हो तो अनमैरिड, वाइफ या हस्बैंड नेम, मैरिड हो तो वाइफ का नाम भी आएगा। और यहाँ पर यस नो अगर आप हो इस कैटेगरी में डिसेबिलिटी स्टेटस में। ईमेल आपको फिल करनी है, इफ़ यू ये हो जाएगा नो। इसके अलावा मोबाइल नंबर भरने हैं यहाँ पर, नेशनलिटी इंडियन, होम स्टेट जो भी आपका स्टेट है, राजस्थान है या फिर अदर भी हो सकता है, होम डिस्ट्रिक्ट दोस्त जो भी आपका है होम डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, होम टाउन जो आपकी तहसील है या डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के भी हो वो भर दो। इसके अलावा सोशल कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप एक पे टिक करना है। धर्म आपका भरना है, पैन नंबर मस्ट है, थोड़ा पैन नंबर फिल करना है। बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, इसमें आप यदि अन्य पिछड़े वर्ग के हो तो फिल कर दो, अन्यथा इसे भी खाली छोड़ सकते हो। इसके अलावा ये आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पर उनके नाम भी आप ध्यान रखें। ये समस्त प्रविष्टि आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में करनी है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, आप यदि पासपोर्ट साइज की फ़ोटो नहीं है किसी साथी के पास तो वो आप खिंचवा कर रेडी कर लें। 10वीं की अंक तालिका, इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड, नॉमनी के साथ संयुक्त फ़ोटो। ये नॉमनी का मतलब है यहाँ पर जो भी आपका संरक्षक होगा, किसी भी दुर्घटनावश यदि कोई हो जाता है तो उसके संरक्षक कौन है। यदि पिता है तो पिता के साथ में अपनी फ़ोटो होनी ज़रूरी है, माता है तो माता के साथ में, और यदि दोनों हैं तो दोनों के साथ में अपनी फ़ोटो होनी चाहिए। इसके अलावा वाइफ है तो वाइफ के, हस्बैंड है तो हस्बैंड के साथ में फ़ोटो यहाँ पर अटैच करनी है आपको। सर्विस कैटेगरी में आपको एजुकेशन फिल करना है, सब सर्विस कैटेगरी में राजस्थान सब सर्विस, और डाइजनेशन एज पर सर्विस के कैडेट जो भी आपकी वर्तमान में जो पोस्ट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, रीट थर्ड ग्रेड है, जो भी है आपकी वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। सर्विस स्टेटस में रेगुलर करना है, और एम्प्लॉई स्टेटस में आपको यदि नए हैं तो प्रोवेशन कर सकते हो करो, और यदि पुराने हैं जिनको 2 साल से ज़्यादा हो गया वो परमानेंट करेंगे। सब सर्विस स्टेटस में सब ऑर्डिनेट सर्विस करेंगे यहाँ पर सभी कार्मिक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। इसके अलावा गजिटेड या नॉन गजिटेड में, फर्स्ट ग्रेड ही इसको गजिटेड होता है, बाकी फर्स्ट ग्रेड और प्रिंसिपल, बाकी सभी नॉन गजिटेड फिल करें। सर्विस कोटे में आपको जिस कैटेगरी से सलेक्शन हुआ है,
जिस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है वो करोगे यहाँ पर। ओबीसी है तो ओबीसी, जनरल है तो जनरल, जिस भी कैटेगरी से हुआ है उसका आप यहाँ पर लिखोगे। एंटाइटलमेंट स्टेटस है, इसमें आपकी डिग्रियों का विवरण कर सकते हो आप कि आपके पास में कौन कौन सी आपने डिग्री कर रखी है, जैसे एमए, बीएड जो भी है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा यही जो डेट है ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है और इनका ही आपको ध्यान रखना है, एक एक को आप ध्यान से देखते चलें। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, ये इसमें आपके फर्स्ट जॉइनिंग के ऑर्डर होंगे, ध्यान से देखते चलें इनको, यही मोस्ट है बस। फर्स्ट जॉइनिंग ऑर्डर, जिस दिन आपके चाहे वो थर्ड ग्रेड में हुई हो आपकी, चाहे सेकंड ग्रेड में, चाहे फर्स्ट ग्रेड में, पहली पोस्टिंग के ऑर्डर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर थर्ड ग्रेड के हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली का आप डाल दोगे। और है अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, ये जो आदेश आए हैं फर्स्ट वाले वो किस तारीख को आए हैं वो डेट आप यहाँ पर फिल करोगे, फर्स्ट जॉइनिंग की ऑर्डर की डेट यहाँ पर। इसके बाद है जॉइनिंग डेट, यहाँ पर आपकी जॉइनिंग की डेट लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है डेट ऑफ प्रेजेंट डाइजेशन। अब इसमें क्या है, इसमें कि आपको डेट, अब प्रेजेंट की डेट है, यदि कोई साथी ट्रांसफ़र के थ्रू आया हो या सेकंड ग्रेड से फर्स्ट, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में, यदि वो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में आया हो, थर्ड से सेकंड में, तो सेकंड की जॉइनिंग डेट आएगी यहाँ पर, ठीक है, वो डेट आएगी आपकी यहाँ पर। और यदि कोई साथी ट्रांसफ़र से आया हो, ठीक है, तो उस समय की, मतलब थर्ड, यहाँ तो आएगी सेकंड ग्रेड के जॉइनिंग डेट, वो आदेशों की डेट कि किस तारीख को जॉइनिंग आदेश आपके आए हैं, ठीक है, 12/1/2023 को आए हैं, जो भी आपकी डेट है जॉइनिंग आदेश आने की डेट, ठीक है। जॉइनिंग डेट नहीं है यहाँ पर सेकंड ग्रेड की ज्वाइन करने की, जॉइनिंग ऑर्डर की डेट चाहिए यहाँ पर कि किस तारीख को आपके जॉइनिंग ऑर्डर आए। यदि कोई साथी ट्रांसफ़र से आया है तो इसकी ट्रांसफ़र के जिस दिन आदेश आए हैं वो डेट लिखोगे। और किसी साथी की एसीपी लगी हुई है, एसीपी का भी मैटर है यहाँ पर, एक एसीपी, दो एसीपी यहाँ पर लगी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप यहाँ पर एसीपी वाला में, कि यहाँ तो आ जाएगी आपकी फर्स्ट जॉइनिंग डेट, उसके बाद में एसीपी का इसमें विवरण नहीं दे रखा, एसीपी आपकी वहाँ पर ऑटोमेटिकली शो होगी यदि आपकी लगी है तो, यहाँ तो सिर्फ आपके ऑर्डर डेट डलेगी, ठीक है। और एसीपी, अब यदि देखो इसमें वहाँ चीज़ें दिखा नहीं रखी यहाँ पर एसीपी का, तो आप यहाँ पर शॉर्ट रूप में ये लिख सकते हो एसीपी, ऐसे लिख सकते हो एसीपी यहाँ पर, और यहाँ एसीपी की डेट लिख सकते हो ये 12/1/2023 के जगह पर, लेकिन यहाँ आपको अलग से साइड में ऐसे लिख देना एसीपी, ठीक है। अगर ये ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर एसीपी है ये आपकी ऑटोमेटिकली शो करेगी, ठीक है। यहाँ पर अगले पर है पेरेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है पेरेंट डिपार्टमेंट, इसमें आप फिल करोगे एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके अलावा है करंट डिपार्टमेंट, तो इसमें करंट डिपार्टमेंट में यदि सेकंड ग्रेड का है तो सेकेंडरी एजुकेशन आएगा, फर्स्ट ग्रेड का है तो भी सेकेंडरी एजुकेशन आएगा, और यदि थर्ड ग्रेड का है तो एलिमेंट्री एजुकेशन आएगा। अब है यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑथराइज किसने किया, ये वर्तमान वाले की बात होती है हमेशा, यहाँ पर जो बात करेंगे वो आप वर्तमान की करेंगे कि आपको सेकेंड ग्रेड में ज्वाइनिंग किसने दी है, ठीक है। तो इसकी सेकंड ग्रेड में है तो जेडी आएगा, फर्स्ट ग्रेड में है तो बीकानेर निदेशालय आएगा, और थर्ड ग्रेड में है तो उनका आएगा डीओ। इसके अलावा है डाइजनेशन एट द टाइम द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, आपकी फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट हुई है वो कौन सी पोस्ट पर हुई है, सेकंड ग्रेड पर हुई है, थर्ड ग्रेड पर हुई है, या डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड पर हुई है, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। और इसमें आएगा करंट ऑफिस, करंट ऑफिस में पोस्ट का नाम पूछ रहा है आपसे, सीनियर टीचर है या फिर लेक्चरार है, जो भी है वो पोस्ट आप यहाँ पर लिखोगे। इसके अलावा है यह है सुपर अनाउंस डेट, इसमें आपकी रिटायरमेंट डेट होती है। रिटायरमेंट का देखो किस तरह से है, यदि आपने एक तारीख को किया है, जैसे आपने 1 जनवरी को कर दिया, 1 जनवरी को यदि आपने जॉइनिंग की है तो उसकी रिटायरमेंट डेट होगी 31 दिसंबर, 31 दिसंबर और पिछली आपकी डेट।
लेकिन अगर आपने 2 जनवरी को भी किया है तो आपकी रिटायरमेंट डेट होगी 31 जनवरी। ठीक है, 31 जनवरी आपकी रिटायरमेंट डेट होगी। ये ध्यान है कि 1 तारीख के बाद 2 तारीख होते ही आपकी जॉइनिंग डेट आएगी अगले वर्ष में। ठीक है, अगले मंथ में होती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे इसका। डेट ऑफ जॉइनिंग रेगुलर सर्विस, फर्स्ट जॉइनिंग डेट आएगी आपकी, फर्स्ट जॉइनिंग डेट। और डेट ऑफ जॉइनिंग प्रेजेंट DDO, आप वर्तमान में जिस पोस्ट पे हो उसकी जॉइनिंग डेट, ये आपको फिल करना है। बाकी तो यस नो है। आर यू गेटिंग पेंशन मिलिट्री, यस या नो। एक्स सर्विस मैन, यस या नो। आर यू गेटिंग सिविल सर्विस पेंशन, यस या नो। अब इसमें देखो आपको कौन कौन से आदेश और चाहिए। प्रथम नियुक्ति आदेश चाहिए, जो आपका थर्ड ग्रेड का है तो थर्ड ग्रेड का। अब प्रथम नियुक्ति में थर्ड ग्रेड में ज़्यादा है थोड़ा सा, क्योंकि उनका DDO का भी आता है, इसके अलावा पंचायत समिति का भी आता है। तो सभी आदेशों की एक क्या करेंगे, एक PDF बना लेंगे। सभी आदेशों की एक PDF बना लेना है 2 MB की, उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। कार्य ग्रहण प्रति, ये आपकी साला दर्पण पे ऑनलाइन जॉइनिंग की है, साला दर्पण पे ऑनलाइन जॉइनिंग की है वो वाली। और जिन साथियों ने ऑफलाइन जॉइनिंग किया है पहले, बहुत पहले, क्योंकि 2014 के पहले तो ऑफलाइन ही होती थी, उसमें आपको ऑफलाइन कार्य ग्रहण की प्रति चाहिए। स्थायीकरण आपका कब हुआ, उसका आदेश और उसकी पूरी PDF, ये आपको कंप्लीट चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आप अभी अपने पास रखें, कभी भी आपके PO आपसे इनको ले सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला है जो एड्रेस का कॉलम है, जिसे आप इजीली भर सकते हो, स्टेट जो भी है, डिस्ट्रिक्ट, एरिया, ब्लॉक, पंचायत, विलेज, हाउस नंबर, पिन कोड, असेंबली आपकी जो भी है विधानसभा, वो आप यहाँ पर फिल कर दो। इसके अलावा अगले में है जो है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स आप आसानी से फिल कर सकते हो, जो भी आपकी बैंक की डाटा है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फैमिली एवं नॉमिनी डिटेल्स, इसको और देख लो थोड़ा सा। जन आधार नंबर है, ये आप भर दो। मेंबर आईडी, जो जन आधार में इस नॉमिनी की, जैसे नॉमिनी है इसकी वाइफ है सपना, और इस सपना की जो मेंबर आईडी है जन आधार कार्ड में, वो यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, और यदि आपके 2 नॉमिनी हैं तो ऐसा ही एक और फॉर्म आपको मिलेगा, उन दोनों को आपको फिल करना है। रिलेशनशिप जो भी है आपका वो भर दो, वाइफ है, फादर है। DOB उसकी भरनी है, मैरिड और अनमैरिड की स्थिति लिखनी है, जेंडर की बतानी है। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, कोई परेशानी है तो वो देख लो, नो यस नो। फिजिकल डिसेबिलिटी, ये आश्रित, इनको भी आप यस नो भर सकते हो, जो भी है इस कैटेगरी को बिलोंग करता है तो यस, अन्यथा नो। नॉमिनी राज्य के सेवा में है तो वो करना है आपको, अगर नॉमिनी राजस्थान सेवा में है तो उसकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर फिल करोगे। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। और नॉमिनी का शेयर, अब देखो इसमें शेयर में आप लिखोगे 100%, जब तो एक हिस्सेदारी है तो 100%, 2 है तो 50-50, 4 है तो 25-25, वो आप करोगे। ये लिखा है नोट में, एक से अधिक नॉमिनी हो तो प्रत्यक्ष से उपरोक्त सूचना संलग्न करेंगे आप, इसको अलग से एक और फॉर्म निकाल लेंगे और इसको फिल कर देंगे। ये देखेंगे पे कमीशन, वर्तमान में 7वां पे कमीशन चल रहा है। डेट ऑफ एंट्री, पे बैंड और ग्रेड पे, सेकंड ग्रेड है तो 4200, और डेट की बात करता है तो इसमें स्थायीकरण की डेट आएगी, जो भी आपका स्थायीकरण हुआ है वो डेट लिखो। पे स्केल आपकी L11 है, डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल L11 और स्थायीकरण की डेट। बेसिक पे, बेसिक पे आपका जितना भी है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिक पे और जो मूल वेतन है वो आ जाएगा फिक्स वेतन, जो अभी नए हैं उनके लिए फिक्स वेतन आएगा, जो भी आपका आएगा 26500 सेकंड ग्रेड है तो, बाकी 23700 थर्ड ग्रेड है तो, और फर्स्ट ग्रेड है तो 3100, तो इस तरह का इनका आ जाएगा। तो इनको आप कम्प्लीटली फिल करें, और जैसे ही IMFS 3.0 अपडेट होगा उसकी भी आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी, जो कि खुद SSO ID से आप खुद की प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो ये रहेगा, बाकी साथियों जैसे ही अपडेट मिलेगी और वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी।